कोरोना वायरस सक्सेस होने के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी। हो सकता है कि ये टाइटल सुन के आप में से कुछ लोगों को बुरा लग जाए, लेकिन जो सच है वो है, जहाँ पर भी समस्या होती है और बहुत ज़्यादा एडवर्स सिचुएशंस होते हैं, वहीं पर हम लोगों के पास अपॉर्चुनिटी होती है। और ऐसे सिचुएशन में जो अपॉर्चुनिटी को पहचान जाए वही आगे बढ़ सकते हैं। कोरोना वायरस के चलते बहुत से लोग वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन मिला हुआ है और लोग घर से काम कर रहे हैं, लेकिन घर से काम करते हुए लोग पूरा प्रोडक्टिव नहीं रह पा रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक के देखें और जानें कि आप इस सिचुएशन का सबसे बेस्ट कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं और कैसे बेस्ट प्रोडक्टिव रह सकते हैं। अब ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस से कहने जा रहा हूँ, मैं सिर्फ पढ़ी लिखी बातें नेट पे ढूंढी हुई बातें बस नहीं बोलूँगा, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम का मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और ये एक्सपीरियंस कैसा है वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न बाबा के एक नए एपिसोड में आप सभी का बहुत दिनों बाद स्वागत करता हूं। बहुत दिन इस कारण लग गए क्योंकि मेरा शेड्यूल कुछ अलाउ नहीं कर पा रहा था कि मैं आप तक के एक नया कंटेंट लेकर आ सकूं। इस वीडियो को आप तक के पहुंचाने के लिए हिम फिल्म्स का बहुत बड़ा योगदान है। हिम फिल्म्स के स्पॉन्सर के लिए मैं बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूँ। हिम फिल्म्स एक ऐसी कंपनी है जहाँ पर आप एवरी मीडिया सॉल्यूशंस आपको मिल सकते हैं, जहाँ पर आप कमर्शियल वीडियो से लेके यूट्यूब कंसल्टेंसी से लेके हर मीडिया सॉल्यूशन आपको वहाँ पर मिल सकता है। ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से 4-5 साल पहले जब हम अपने कंपनी का नया शुरुआत कर रहे थे, तो उस समय हमारे पास ऑफिस नहीं थी और उस समय हम घर से ही काम किया करते थे। उस समय इनिशियली हमने बहुत सारे ट्रायल एंड एरर मेथड्स किए और धीरे धीरे हमने समझा कि हम घर से काम करते हुए बेस्ट आउटपुट कैसे ले सकते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा चीज़ है वो है माइंडसेट। पूरा माइंडसेट का ही गेम है। अगर आप माइंडसेट को सही तरीके से रख लिए तो आप बेस्ट प्रोडक्टिव आउटपुट ले सकते हैं अपने आप से। तो सबसे पहला स्टेप हम लोगों को क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन को दो तरीके से लिया जा सकता है। एक तो हम इस माइंडसेट से देख सकते हैं कि अब तो छुट्टी है, अब मैं घर पर रह के मूवी देखूंगा, नेटफ्लिक्स में वेब सीरीज देखूंगा, चिल करूंगा, एंजॉय करूंगा। और दूसरा ये है कि मैं इस सिचुएशन से बेस्ट कैसे आउटपुट ले पाऊँ, इस जो यहाँ पर जिस समय सभी लोग चिल कर रहे होंगे, जिस समय सभी लोग मस्ती कर रहे होंगे, उस समय मैं अपने आप को एजुकेट कर रहा होऊंगा, ट्रेन कर रहा होऊंगा और मैं अपना वर्क कर रहा होऊंगा। तो हम दिन की शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले तो आपने सुना होगा कि जैसा हमारा सबसे पहला समय होता है पूरे दिन का, वैसे ही हमारा पूरा दिन जाता है। तो सबसे पहले हमको दिन की शुरुआत खुशी से करनी चाहिए, एक स्माइल से करनी चाहिए। अब दिन का शुरुआत करते समय हम लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हम क्या क्या करने वाले हैं, तभी हम दिन की शुरुआत अच्छे से कर सकते हैं। और आप सभी ने तो सुना ही होगा कि अ हेल्दी माइंड नीड्स अ हेल्दी बॉडी। तो आप लोगों को या हम सभी को कुछ वर्कआउट कर सकते हैं अपना हेल्दी बॉडी रखने के लिए। काफ़ी सारे ऐसे एक्सरसाइजेस आपको इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाएंगे कि आप बिना इक्विपमेंट्स के इस्तेमाल करके कैसे आप वर्कआउट कर सकते हैं और वैसे कैसे बेस्ट बॉडी अचीव कर सकते हैं। मैं पर्सनली, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहें, तो मैं पर्सनली योगा करता हूँ। मैं जो योगा करता हूँ उसका नाम है शांभवी महामुद्रा, और इस शांभवी महामुद्रा को करने से मेरे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। इसके पहले मेरी लाइफ बिल्कुल अलग थी और शांभवी महामुद्रा करने के बाद, इसका रेगुलर अभ्यास करने के बाद मेरा लाइफ पूरी तरह से बदल चुका है। मेरा माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, मैं फोकस होकर काम कर पाता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर पाता हूँ शार्पली फोकस रह के जो कि पहले नहीं कर पाता था। मेरा बॉडी भी पहले बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल था, बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी आए दिन कुछ ना कुछ सर्दी खांसी हल्का फुल्का बीमारी लगे रहती थी। वो मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव महसूस करता हूँ, मैं दिन भर काम करने के बाद भी मैं रात तक के भी एक्टिव महसूस करता हूँ। अब आप ये जानना चाहेंगे कि ये योगा आप कैसे कर सकते हैं, तो इसको करने के लिए आपको कुछ अलग तरीके फॉलो करने होंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा कि आप योगा ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। आप उप योगा के अभ्यास कर सकते हैं। ये जो उप योगा के अभ्यास होते हैं वो 5 मिनट के भी हो सकते हैं, 3 मिनट के भी हो सकते हैं और 7-8 मिनट के भी हो सकते हैं। मतलब इतना थोड़ा सा समय देख के आप अपने बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। इस उप योगा अभ्यास का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी इंक्लूड कर दूंगा। तो आप इन उप योगा का अभ्यास कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। अब जैसा कि हमने जाना कि पूरा खेल माइंडसेट का है, कि आप प्रोडक्टिव रहना चाहते हैं तो आप माइंडसेट को कैसे रखें, तो अब जो अगला स्टेप है वो है कपड़े। ये ना समझें कि आप दफ्तर नहीं जा रहे हैं, आप ऑफिस नहीं जा रहे हैं, तो घर में आप लोअर पहन के, शॉर्ट्स पहन के या फिर जो घर में आराम करने वाले कपड़े हैं उन सभी को पहन के रह सकते हैं। अगर आप उन सभी को पहन के रहेंगे तो जो नॉर्मली आपके साथ होता है, जब भी आप आराम करने वाले कपड़े पहनते हैं तो आप आराम कर रहे होते हैं।
तो इन सभी से बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप ऑफिस जाने के लिए जैसे तैयार होते हैं, आप उसी तरीके से तैयार हो जाइए। सवेरे से जब आपने वर्कआउट कर लिया, आपने योगा कर लिया, आप फ्रेश फ्रेश होके आप नए कपड़े पहन लीजिए। नए कपड़े पहन के आप एक जगह सेट कर लीजिए और वहाँ पर आप जो जगह है वो क्लटर्ड नहीं होना चाहिए, वो बिखरा नहीं होना चाहिए, और वहाँ पर आप ऑफिस जैसा माहौल बना के बैठिए और काम कीजिए। क्योंकि हम प्रोडक्टिव रहना चाहते हैं तो हम अपने हर सपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहते हैं। एक स्टडी के मुताबिक अगर हम अच्छे कपड़े नहीं पहनते तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सिग्नल जाता है कि ये तो आराम करने वाले कपड़े हैं और हम लोगों को आराम करना है। तो इस कारण ऑफिस वाले कपड़े पहनने से आप अलर्ट रहेंगे और आप अच्छे से काम कर पाएंगे। दिन भर मोटिवेटेड रहने के लिए आप और ये काम कर सकते हैं कि आप पूरे दिन का आप टास्क डिसाइड करके एक टाइम टेबल बना लीजिए और ये डिसाइड कर लीजिए कि किस समय कौन कौन से टास्क करने हैं। इस टाइम टेबल को बनाने के समय आप लोगों को एक बात और ध्यान रखने की ये ज़रूरत है कि कौन सा टास्क ज़्यादा मेहनत वाला टास्क है। तो जो मेहनत वाला टास्क है उसको दिन के शुरुआती हिस्से में कीजिए, क्योंकि दिन के शुरुआती हिस्से में आपके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और आप बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टास्क को भी कर सकते हैं। और दिन का जो अंत वाला समय होता है, जैसे कि शाम होने लगती है, वैसे वैसे आपका एनर्जी लेवल डाउन होता जाता है और आपको कॉम्प्लेक्स टास्क करना एक बहुत बड़ा टास्क लगने लगता है। इस कारण आप उसको दिन के शुरुआती हिस्से में कीजिए, जो भी आपको कॉम्प्लेक्स लगता है, और जो सरल से टास्क हैं उसको दिन के अंतिम समय में कीजिए। साथ ही साथ आप अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए बहुत सारे कोटेशंस वगैरह अपने रूम में कहीं पर लगा कर रख सकते हैं। उन कोटेशंस को लगा कर रखने से आप बार बार देखने से आप मोटिवेटेड रहेंगे और काम को करने के लिए इंस्पायर्ड रहेंगे। अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो है फोकस। फोकस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी हम कोई सा भी काम करते हैं तो फोकस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आज की डेट में खास करके फोकस की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है और हर किसी में कमी हो गई है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है वो है, हो सकता है कि आप लोगों को सुन के अच्छा ना लगे, वो है सोशल मीडिया। क्योंकि आज के डेट में हमारे पास है स्मार्टफोन्स और स्मार्टफोन्स में लगातार नोटिफिकेशंस आते रहते हैं और ये नोटिफिकेशन हर एक मिनट में कई बार नोटिफिकेशंस आ जाते हैं और बार बार हमारी आंखें हमारे मोबाइल की तरफ जाती हैं। इससे हम प्रैक्टिस करते हैं डिस्ट्रैक्शन का। तो जिस चीज़ का भी आप प्रैक्टिस करेंगे आप उसी चीज़ पे माहिर होते जाएंगे। तो बार बार अगर आप मोबाइल की तरफ नज़र घुमाते हैं तो आप बार बार डिस्ट्रैक्शन का प्रैक्टिस करने लगेंगे। एक स्टडी के मुताबिक बेस्ट टाइम टेबल का स्लॉट होता है 25 मिनट काम करें, 5 मिनट आराम करें, 25 मिनट काम करें, 5 मिनट आराम करें। तो आप 25 मिनट फोकस होकर काम करें, फिर जो 5 मिनट का वक्त बचता है उसमें आप फ्रेश हो सकते हैं, पानी पी सकते हैं और आप उसी समय अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं और ज़रूरी कॉल्स का रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। फोकस बढ़ाने के लिए एक और ऑप्शन है बुक रीडिंग। या फिर कोई मोटिवेटेड अपने इंस्पिरेशन को फॉलो करना। क्योंकि हम घर से बैठे बैठे काम कर रहे हैं, हमारे आसपास लोग नहीं है जिनको हम देख के मोटिवेट हो के हम और काम कर सकें, तो अभी आपके पास बेस्ट समय है, ये बहुत ज़्यादा बेस्ट समय है अपने आइडियल्स को, अपने इंस्पिरेशंस को फॉलो करने का। अब आप अपने आइडियल्स को, अपने इंस्पिरेशंस को यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे उनके वीडियोस देख सकते हैं या फिर आप उनके बुक्स पढ़ सकते हैं। आपके हर किसी के अपने फील्ड से रिलेटेड कोई ना कोई आइडियल होंगे, जैसे कि मेरे काफ़ी सारे आइडियल हैं, मैं उन लोगों को फॉलो करता हूँ, उन लोगों के वीडियोस भी देखता हूँ और बुक्स भी पढ़ता हूँ। ये मुझे इंस्पायर्ड रहने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, लेकिन मैं पर्सनली बुक रीडिंग को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। मैं वीडियो से ज़्यादा बुक रीडिंग को इस कारण प्रीफर करता हूँ क्योंकि वीडियो में हमारा माइंड पैसिव होता है, मतलब वीडियो में हमारा माइंड सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा होता है। लेकिन अगर हम बुक रीडिंग करते हैं और हम बुक्स पढ़ते हैं तो हमारा माइंड एक्टिव होकर काम कर पाता है, और जब हम एक्टिव होकर काम कर पाते हैं तो हमारा माइंड का ग्रोथ बहुत ही अलग अलग लेवल पे, उसका इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस बढ़ता है। इस कारण मैं पर्सनली बुक रीडिंग करता हूँ। मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा, आप लोग भी बुक पढ़ें, ये आप लोगों को फोकस रहने में मदद भी करेगी। अब हम जैसे जैसे दिन के अंत की ओर बढ़ते जा रहे हैं तो सोने से पहले बस आपको एक काम करने की ज़रूरत है और वो काम है अगले दिन का टास्क सेट करना। आपको रात को सोने से पहले ही आपको पता होना चाहिए कि अगले दिन आपको क्या क्या करना है और उसकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं और उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या हैं। तो ये चीज़ अगर आपको पता रहेगी रात को सोने से पहले तो अगले दिन आप जल्दी से उठ पाएंगे और जल्दी से अपने रूटीन का फॉलो कर पाएंगे और एक बेहतर तरीके से अपने दिन का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो अगले दिन का शुरुआत वो सिर्फ सवेरे से नहीं होता, एक अगले दिन की शुरुआत, एक बेस्ट दिन की शुरुआत आप एक रात पहले ही कर देते हैं। दोस्तों, इन सब से हटकर मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा
कि ये जो अपॉर्चुनिटी अभी हम लोगों को मिल रही है, हालांकि सिचुएशन दुनिया का बहुत ज़्यादा खतरे में है, मैं आप सभी से सेफ रहने का, घर में रहने का गुजारिश करता हूँ ताकि आप खुद को भी बचा सकें, अपने आसपास के लोगों को भी बचा सकें। लेकिन साथ ही साथ ये घर पे रह रहे अपने आप को ग्रो करने का, अपने आप को ट्रेन करने का और आगे बढ़ने का बहुत अच्छा समय है, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा भागदौड़ी होती है कि हम लोगों को समय ही नहीं मिल पाता कि हम अपने आप पर भी कुछ काम कर सकें। लेकिन ये समय है अपने आप को काम करने का और अपने आप को ट्रेन करके आगे बढ़ाने का, क्योंकि इस समय का जो यूटिलाइज कर लिए वो जैसे ही ये समय गुजरेगा तो हमारे पास ऑप्शन होगा कि हम जाएं और दुनिया में बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। बहुत फेमस कोटेशन है कि अपॉर्चुनिटी लाइज इन एडवर्स सिचुएशंस, और अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा एडवर्स हैं और इसके बाद हमारे पास अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज होंगी, और इस समय का अगर बेस्ट इस्तेमाल कर लिए तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये थे मेरे तरीके जो मैं घर पे रह के वर्क फ्रॉम होम करते हुए अप्लाई करता हूँ और मैं अपने आप को प्रोडक्टिव रख पाता हूँ, और हर किसी के अपने अलग तरीके होते हैं। अगर आपके भी कुछ अपने ऐसे तरीके हैं जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट में ज़रूर शेयर करें, आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के ये काम आ सके और आप में से जानने पहचाने लोगों के भी ये काम आ सके। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।